है और अगर वो कहीं गलत है तो मैं आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूं तो मैं इनवाइट करती हूं किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार हैं, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूंगी। बैठी थी कोई खातून, वो कहने लगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की लड़की से निकाह किया है, ये तो लड़की पे जुल्म है, ये तो याशी। मैंने कहा आप मुझे बताओ, अगर हजरत ईसा अलैहि सलाम आज आ जाएं और आपकी कोई बेटी हो 15 साल की या 9 साल की जो बालिग हो चुकी हो 12 साल, और ईसा अलैहि सलाम जिनको आप नबी मानते हो वो वाकई मजहबी खातून थी, तो आप अपनी बेटी उनको दे दोगी? उसने कहा मैं भी 12 साल की, मैं निकाह कर लूंगी, बेटी तो बाद में, अगर मैं 15 साल की हुई, चूंकि वो अल्लाह के क्या है, ईसा है भाई, अल्लाह के पैगंबर हैं, उनमें थोड़ी एज देखी जाएगी कितनी उम्र के हैं, पैगंबर की बीवी बनना कौन पसंद नहीं करेगी। तो मैंने कहा जिसको यकीन था ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने बीवी बनना पसंद भी किया, उनके बाप ने दिया भी और सारी जिंदगी उस पर खुश रही हैं, और जिनको आपकी नबूवत पे शुबा है वो कह रहे हैं यार 50 साल के होके शादी किससे की, भाई जब वो खुश है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है?